बार देख के बता रहे तो विजिबल है। अमृत, आस्था, यहाँ पे चुप रहने वाली क्लास नहीं है ये, तरुण सर की क्लास है, तरुण सर की क्लास में बताना पड़ता है। विजिबल यस सर, है। विजिबल। हाँ ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, हम सबको पता है कि मैटर के अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है, ये सुनो, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, बिल्कुल सही। और जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड थिंग, अब आप सबको पता है एक और चीज होती है फोर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ते नहीं पढ़ते ये दो चीजें मैटर के अंदर? यस सर। अगर ये दोनों चीजें, जो स्पेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब स्पेस अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, बताओ। अगर स्पेस इंक्रीज होगा तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा, सर इंक्रीज। फोर्स डिक्रीज हो जाएगी ना, फोर्स डिक्रीज हो यस जाएगी, स्पेस बढ़ा तो फोर्स कम होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है, मैंने जब हम सॉलिड की बात करते थे, तो सॉलिड के अंदर जो स्पेस था वो मैक्सिमम था या मिनिमम था? मिनिमम मिनिमम था। इसका मतलब जो फोर्स होगा, यानी स्पेस और फोर्स में क्या रिलेशन है सर, उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर स्पेस मिनिमम है तो फोर्स क्या होगा, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस मैक्सिमम। तो यहां पर ये जो स्पेस है, स्पेस क्या था, मिनिमम। तो दो पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम और नॉट, बोल सकते हैं? क्योंकि अब तुम ध्यान से देखोगे, जैसे बलून है, अब बलून को तुम ऐसे प्रेस करते हो तो उसका साइज छोटा हो जाता है, ये सुनो, यस प्रेस कर रहे हो इसका मतलब तुम तो उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो। यस जैसे सर, प्रेशर लगेंगे तो स्पेस कम होगा या बढ़ेगा, तो स्पेस कम होना चालू करेगा, पार्टिकल एक दूसरे के पास में आना चालू करेंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर वहीं पर दूसरा था हमारा गैस। तो गैस में आप नोटिस करते होंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या है, बहुत दूर है, तो यस ये क्या सर, है, था स्पेस है। तो यहां पर गैस के अंदर स्पेस क्या होता है, मैक्सिमम। बिल्कुल सही। तो दो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगेगी, वो क्या लगेगी, फोर्स लगेगी भी या नहीं लगेगी, सर लगेगी बट बहुत ही कम लगेगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगी, मिनिमम। मिनिमम और लिक्विड में इन दोनों के बीच में होगा, या सुनो, तो मैं ये बोल यस सकता सर, हूं कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो स्पेस क्या होगा, अगर प्रेशर इंक्रीज कर दूं तो स्पेस पे क्या असर पड़ेगा,
फिर स्पेस कम हो जाएगी। बिल्कुल सही, स्पेस कम हो जाएगा। अगर स्पेस कम हो जाएगा, स्पेस का जगह डिक्रीज, और स्पेस डिक्रीज होगा तो फोर्स क्या होने चालू हो जाएगी, बढ़नी चालू हो जाएगी। यस और नो? यस सर। फोर्स क्या हो जाएगी सर, इंक्रीज, और प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वो कहां की तरफ मूव करना चालू करेगी सर? यहाँ पे फोर्स मिनिमम थी, जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया फोर्स बढ़नी चालू हुई, और कहां तक जाएगी सर? गैस से लिक्विड की तरफ। यस सर नो? यस सर। तो मैं बोल सकता हूं जो पार्टिकल गैस में है वो पहले किस में जाएगा, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में चला जाएगा, सॉलिड। सॉलिड है, आई बात समझ में? तो प्रेशर भी आपकी स्टेट को चेंज कर रहा है। यस सर नो? यस सर। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अब हमने बात की थी टेम्परेचर और प्रेशर की, तो बेस्ट सिचुएशन क्या है या बेस्ट कंडीशन सॉलिड बनाने के लिए? तो मैं ये बोल सकता हूं सॉलिड के लिए टेम्परेचर क्या हो मिनिमम, और प्रेशर क्या हो मैक्सिमम। यस और नो? तो कंडीशन क्या रख सकता हूं मैं, सूटेबल कंडीशंस, तो हाई प्रेशर एंड लो, लो क्या रखूंगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर। और गैस के केस में उल्टा हो जाएगा, गैस के केस में क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। बिल्कुल सही। अगर मुझे कोई गैस को लिक्विड स्टेट में लाना है तो उसके लिए मैं ये चीजें कर सकता हूं, ये सुनो। अब गैस के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, तो गैस किस स्टेट में आ जाएगी, गैस से लिक्विड में, राइट? यस सर। अभी आप सभी को पीछे से एक आपने वो सुना होगा, हमको रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन सिलेंडर की कोविड में, ऑक्सीजन तो गैस होती है, यस? यस सर। बट उनको चाहिए थी क्या, लिक्विड ऑक्सीजन, तो उन्होंने क्या किया होगा, प्रेशर को इंक्रीज किया होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज किया होगा, तो जो ऑक्सीजन गैस थी वो किस में कन्वर्ट होगी, होगी लिक्विड में, और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके उसको सिलेंडर्स में फिल करके हॉस्पिटल्स में सप्लाई कर दिया था, ठीक है? यस सर। तो ये चीज समझ रहे हैं, प्रेशर का कैसे रोल है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने के लिए? यस सर। अब एक और बात आपको, बस छोटी सी बात है, तो आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, यस और नो? यस सर। यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2। CO2। अब हमने पढ़ा है कि कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसा, कैसा सब्सटेंस है, सबलाइम, यस और नो? यस सर। सबलाइम है, इसका मतलब वो क्या होगा, सॉलिड CO2 से कैसे चला जाएगा सर, गैस CO2 में, यस और नो? यस सर। हाँ बिल्कुल, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सॉलिड CO2 है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो नाम क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस, बिल्कुल सही सर, इसको बुलाते हैं हम ड्राई आइस से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर ड्राई आइस ही क्यों बुलाते हैं, आइस तो वाटर को बोलते हैं, ये तो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊपर से ड्राई क्यों,
ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं समझ में सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज लाइक दैट कि जो ड्राई आइस है, सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस से जानते हैं, ठीक है, तो इसका नाम ड्राई आइस क्यों है? आइस तो वाटर के लिए होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों बोलते हैं आइस? नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, आप बोल देना सर नहीं पता आपको, ठीक है? नहीं पता। ठीक है, पहले एक बार कोई नोट डाउन करना चाहता है? बताओ कोई नोट डाउन कर रहा है? नो सर, से मुझे पता है ड्राई आइस क्यों बोलते हैं CO2 को। तो बताओ, सभी के लिए क्वेश्चन है ना सर, क्योंकि ये डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में नहीं होती, सबलाइम सब्सटेंस इसलिए। थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा ठीक है, ओके। और ट्राई करो, कोई और ट्राई करो, बताओ मेरे को, इसको इरेज कर दो इस वाले पार्ट को, इस साइड वाले पार्ट को इरेज कर दो। यस सर। हां सॉरी, हां बोलो बोलो। हां सॉलिड क्या बोल रहे थे, कोई बता दो कुछ। सर ड्राई आइस बहुत ज्यादा कोल्ड रहती है, तो वो फूड को बहुत कोल्ड रखती है। हां हां थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, मैं अभी थोड़े से ज्यादा दूर हूं। आप सभी ने वो डीजे पे वो व्हाइट फोग देखा है? यस सर। एक्चुअली वो ड्राई आइस से आता है, ठीक है? कैसे आता है? ड्राई आइस। एक्चुअली में इसे आइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सॉलिड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आइस से रिजेंबल करता है। रिजेंबल का मतलब सिमिलर होता है आइस जैसा, पहला पॉइंट तो ये। अब इसको ड्राई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा, और जो आइस होती है, अब जो आइस होगी वो क्या होती है, वेट कर देती है, कब गीला कर देती है। अब ये तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, yes, केस में ये वेट नहीं करती, ये जो गैस है ये हमको वेट नहीं करती आइस की तरह। तो इसीलिए जो डीजे वगैरह होते हैं, स्मोक वगैरह होते हैं, काफी ज्यादा बड़े फंक्शन होते हैं, वहां पर हम स्मोक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस का यूज करते हैं, ठीक है? Yes, और ऑब्वियसली बात है, ये सॉलिड CO2 है, तो सॉलिड CO2 काफी लो टेम्परेचर मेंटेन करके चलती है। कई बार क्या होता है, आइसक्रीम वगैरह को रखने के लिए भी हम ड्राई आइस को साथ में रखते हैं, ताकि ये लो टेम्परेचर को, डीप फ्रीजर को मेंटेन रखे, आइस को ठंडा रखे, बर्फ वगैरह पिघले ना, आइसक्रीम वगैरह। आगे सब में ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? पहला चीज इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है वाटर के स्ट्रक्चर से, आइस के स्ट्रक्चर से, इसलिए इसको आइस बोलते हैं। डायरेक्टली कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये वेट नहीं करती, इसलिए ये ड्राई है। कहां पे यूज करते हैं? फ्रीजर होता है, उसमें भी कुछ अमाउंट में ड्राई आइस होती है, जो हमारे घरों में फ्रीजर होता है वो वाला। यस सर। नहीं उसमें, उसमें डिफरेंट कलर की डिफरेंट गैस आती है, आपको नोटिस करते होगे तो कई सारे क्या होते हैं, गैस खत्म हो जाती है तो फ्रीजर बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो फिर हमको उसके अंदर गैस फिल करवानी पड़ती है, रिफिल करवानी पड़ती है, तो वो डिफरेंट गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ओके सर। और सिमिलर चीज आप एसीज में भी देखते हो, एसीज में भी आपको गैस फिल करवानी पड़ती है, मेंटेनेंस वाला आता है, इसीलिए, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो अगर आपसे पूछे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो आप बता दोगे? यस सर, ड्राई आइस।
है, आ जाओ। अब एक छोटा सा सबसे बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, अब प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेशर की यूनिट भी बात कर लेते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की कोई यूनिट जानते हो आप सब, बताओ। किसने ने एटमॉस्फेयर लिखा है, किसने लिखा है, अर्पिता, बिल्कुल सही अर्पिता। तो अर्पिता ने बताया है पहली यूनिट पास्कल, पास्कल के अलावा और कोई होती है, देयर आर फाइव यूनिट्स, कितनी होती है प्रेशर की, पांच डिफरेंट यूनिट्स होती है, वन इज पास्कल, अनदर वन इज बार, थर्ड वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के बाद आप बताओगे कौन सा, टोन, और लास्ट होती है हमारे पास एमएमएचजी। तो ये पांच डिफरेंट यूनिट है प्रेशर की, ठीक है? यस यस। चले आगे देखें। अब सबसे पहली चीज इनका रिलेशन भी जान लेते हैं, चारों का एक दूसरे के साथ में रिलेशन। तो जो हमारा वन एटीएम, एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, कितने के बराबर होता है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। सेकंड, अगर मैं आपसे पूछूं 1 atm या 1 bar कितने पास्कल के बराबर होगा, तो आप क्या बोलोगे, वन बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। ठीक है, यस सर। तो यहां पर इन दोनों कंपेयर करोगे तो आपको 1 atm कितने बार के बराबर होता है, 10⁵ यस सर। बिल्कुल, तो हमने एटीएम बार और ये सर ये दो तो रह गए, इनका भी तो रिलेशन बताओ। तो 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर के बराबर, और 1 atm इक्वल्स टू 760 mmHg टोर। तो ये हमारे क्या है, प्रेशर्स की यूनिट। क्लियर हो गए, बताओ। तो यहां पर हमारा प्रेशर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। सबको समझ में आ गया ये टॉपिक, बताओ। yes. अब इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, वो कौन सा टॉपिक है जो तुमने बहुत बार सुना भी होगा, ये टॉपिक सुना है, इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो पहला तो क्वेश्चन यही है, इवेपोरेशन होता क्या है, और फिर इसके बारे में कौन कौन से फैक्टर है जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, कोई बताना चाहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज इवेपोरेशन बताना है। हाँ बिल्कुल, व्हाट इज इवेपोरेशन,
At the changing of liquid into vapor by its boiling point, temperature below at boiling point. Temperature below at boiling point. ये कहना चाह रहे हो? Yes, sir. Okay. सर फैक्टर्स भी बताना है. फैक्टर्स पे अभी आएंगे आज का. पहले तो हम डेफिनेशन जान लेते हैं. तो यानी सर हम बात कर रहे हैं हमारा जो भी सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट में है और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किस स्टेट में? गैस. वेपर्स में. अब एक बात चलो एक टर्म आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो वेपर्स और बॉइलिंग पॉइंट सॉरी गैस. आप सब तो ये सोचते हो कि ये दोनों टर्म सेम है. ये सुनो वेपर्स और गैस में क्या डिफरेंस होता है बताओ. सर इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपने पूछ लिया. सर वेपर्स में थोड़ा लिक्विड कंटेंट रहता है. वेपर्स में थोड़ा लिक्विड कंटेंट रहता है. किसने बताया है मेरे को? अमृत. थोड़ा सा दूर बट गलत बोला. एक्चुअली में जब हम बात करते हैं गैस की तो जो सब्सटेंस होता है वो बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस कर चुका होता है या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है. समझ में? अगर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर वो सब्सटेंस है किस स्टेट में? गैस स्टेट में. तो उसे हम गैस ना बोल के क्या बोलते हैं? वेपर्स बोलते हैं. अब समझ में? क्योंकि अभी जिस बात है इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो रहा है तो गैस टर्म तो यूज नहीं करेंगे. ये यहाँ पर कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? वेपर्स. आई बात समझ में? तो फिनोमिना जिसके अंदर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है इसीलिए याद रखना वाटर वेपर्स बोला जाता है. वाटर गैस नहीं बोला जाता. ठीक है? तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत ज्यादा मतलब है इसका बड़ा. अब दोनों क्या है सर? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है? यानी इवेपोरेशन के लिए कोई फिक्स टेम्परेचर है या किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है? इवेपोरेशन फिक्स टेम्परेचर पे होता है या किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है? अभी इवेपोरेशन हो रही है बताओ. चलो मैं आपको बता देता हूं. इवेपोरेशन में क्या होगा कि सर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए एट एनी टेम्परेचर बट ये जो टेम्परेचर है ये किससे कम होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए. ठीक है? बताओ जिसको ये चीज समझ में नहीं आई. आस्था अमृत अनन्या अनुष्का अर्पिता पुलकित सबको समझ में आया इवेपोरेशन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी. चले अभी बताओ. यस सर. यस सर. यस. तो सर अभी तक हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट पर ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बट यहां पर आप बोल रहे किसी भी टेम्परेचर पर. तो किसी भी टेम्परेचर पर बोलेंगे तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ही क्यों हो रहा है ये बात पूछी जाएगी. जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट कैसे हो रहा है? हमने बोल तो दिया कि कन्वर्ट हो रहा है बट क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ये क्वेश्चन भी आ गए हमारे पास. यस और नो बताओ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है ये बताओ मेरे को पहले. तो अगर किसी को पता है नहीं पता है तो इस वाले पार्ट पर हम कर दो.
प्रेशर की यूनिट्स को सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दीजिए. ओके ओके आई एम आस्किंग कि इवेपोरेशन में लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो रहा है. बॉइलिंग पॉइंट पे तो हमको पता है कि वो एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेके लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन वेपराइजेशन से वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में. बट यहां पर ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आया क्वेश्चन या अभी भी डाउट में हो? क्वेश्चन नहीं समझ आया तो बता दो, मैं फिर से बता देता हूं. बताओ सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं बताऊं एक्सप्लेन करूं? यस सर. ओके आ जाओ. जब हम बात करते हैं किसकी, इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन में क्या होता है सर, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था किस में, वेपर्स में. एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर ले लेते हैं. तो वाटर में हमारे पास क्या है, ये वाटर है और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर. वाटर वेपर्स में, यस और नो? यस सर. यहां पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस तभी ये होगा, ठीक है? यस ये बात तो पता ही हमको. आगे बताएं, आगे चलें. रिप्लाई रिप्लाई आस्था. हाँ यस बोला करो या फिर बताया करो, ठीक है? थोड़ा सा मुझे भी पता चलता है कि आपको समझ सुन रहे हो या नहीं सुन रहे. जैसे ही हम इसको बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर, हम सबने पता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड स्टेट में वो मोशन शो करते हैं, यस और नो? ऐसे तो है नहीं कि रेस्ट पे रहते हैं हमेशा. तो मैं ये बोल सकता हूँ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नेवर एट रेस्ट, कभी भी रेस्ट पे नहीं होते. इसका मतलब yes, वो मूव करते रहते हैं. क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. उनके अंदर क्या होगी, सम काइनेटिक एनर्जी जो उनको क्या करवा रही है, मूव करवा रही है, यस और नो? यस यस. आ जाओ नेक्स्ट थिंग. अब ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डिफरेंट होती है डिफरेंट स्टेट में. सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा और वेपर यानी गैस में सबसे ज्यादा. तो मैं ये बोल सकता हूं एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, मिनिमम, लिक्विड में इंटरमीडिएट या सुनो, और गैस में क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम. मैक्सिमम ठीक है, ये वाली बात समझ आई? यस सर. हाँ बिल्कुल ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सब्सटेंस अभी वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, यानी यहां पर जो वाटर प्रेजेंट है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है सर, लिक्विड स्टेट में. तो मैं ये बोल सकता हूं कि वाटर इन लिक्विड स्टेट उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है,
Yes or no? Yes. बताओ सर है बिल्कुल है. अब याद रखना let's assume ये मेरा बीकर है, इसके अंदर वॉटर है. ये सारे क्या है पार्टिकल्स किसके वेपर्स के सॉरी लिक्विड के पार्टिकल्स है. ये छोटे छोटे क्या है पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स किसके हैं एट सरफेस पार्टिकल एट सरफेस. ये सरफेस के पार्टिकल बोल सकते हैं बताओ. यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अभी जो सरफेस के पार्टिकल हैं इनको चाहिए सर एनर्जी. क्या चाहिए एनर्जी ताकि ये क्या कर सके अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर सके. और जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ये किसमें से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे वॉटर से वॉटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे. यस सर. यस यस. अभी ये इस पार्टिकल को ये साथ वाले पार्टिकल क्या करके रखते हैं होल्ड करके रख रहे हैं यानी डी पार्टिकल्स के बीच में क्या लगती है सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इसको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने क्यों इंक्रीज करना चाह रहा है ताकि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो क्या कर सके ब्रेक कर सके. तो अब सबके माइंड में आएगा सर ब्रेक करने के लिए कैसे ब्रेक करें. अब ये जो पार्टिकल है ये बोलेगा बाकी देखो बाकी सभी पार्टिकल से देखो तुम तो जा नहीं सकते अगर मैं तुम सबकी एनर्जी ले लूं तो मैं गैस में यानी वेपर्स में जा सकता हूं. तो एक काम करो आप सब मुझे अपनी एनर्जी दे दो. तो ये सभी की एनर्जी क्या करेगा ले लेगा कौन जो पार्टिकल सरफेस पर है और वो निकल जाएगा. इससे क्या होगा बाकी के जो पार्टिकल्स हैं उनका टेम्परेचर उनकी एनर्जी कम हो जाएगी. यस नो. जब उनकी एनर्जी कम होगी तो उनका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. yes. इसीलिए जो मटके में पानी होता है वो ठंडा हो जाता है. अर्थी पोर्ट देखा ना सबने मटका देखा होगा घर में तो मटके में पानी ठंडा हो जाता है. तो कैसे ठंडा होता है ड्यू टू इवेपोरेशन. जो सरफेस में पार्टिकल्स होते हैं वो बाकी सभी पार्टिकल से क्या कर लेंगे एनर्जी ले लेंगे और खुद इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर वेपर में. बाकी सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज. एनर्जी डिक्रीज टेम्परेचर भी डिक्रीज. तो इससे क्या हो जाएगा जो पानी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या करेगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर कन्वर्टेड इनटू वॉटर वेपर. इसीलिए इवेपोरेशन कैसा इफेक्ट शो करती है सर कूलिंग इफेक्ट. आप सभी ने कभी नोटिस किया होगा आप क्या करते हैं जैसे ही आप बाथरूम से नहाकर आते हैं और रूम में एंटर करते हैं और फैन ऑन है तो आपको ठंडी लगने लग जाती है ऐसा होता है. yes, sir. Yes, sir. ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे जो सरफेस स्किन है उस पर कुछ ना कुछ अमाउंट में अभी भी वॉटर प्रेजेंट है. जैसे ही हम रूम में एंटर करते हैं फैन के कारण इवेपोरेशन होने लग जाता है तो जो वो वॉटर प्रेजेंट है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे शरीर से क्या लेके जाएगा हीट. और हमारा शरीर को क्या होगा कैसा इफेक्ट पर फील होगा कूलिंग. इसीलिए जनरली जो समर्स होते हैं गर्मियों में आप सबको देखोगे स्वेट बहुत ज्यादा आता है. ठीक है स्वेट क्यों आता है इसीलिए आता है ताकि वो इवेपोरेशन कर सके और इवेपोरेशन होगा तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है सभी को समझ में इवेपोरेशन कैसे हो रहा है. अब ऑब्वियसली बात है देखो पार्टिकल कहां के जा रहे हैं सरफेस के या अंदर के सर सरफेस. तो इवेपोरेशन कैसा फिनोमिना है सर सरफेस फिनोमिना कैसा फिनोमिना है
सरफेस फिनोमेना। सबको समझ में है? यस यस। हाँ, अब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन को इफेक्ट करते हैं, जिससे या तो इवेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? यस सर। आप सभी देखोगे, आप कपड़े धोने के बाद कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़े क्यों सूख जाते हैं, कैसे सूख जाते हैं? इवेपरेशन। जो वाटर प्रेजेंट होता है क्लोथ्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर्स में, वाटर वेपर। हाँ, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो पहला फैक्टर है दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्योंकि कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना है, तो सरफेस बढ़ेगा घटेगा तो इसको इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए आपने सबने नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है जो गांव साइड के एरिया होते हैं उनमें जो ओल्ड पीपल होते हैं वो चाय को उसके अंदर डाल देते हैं, प्लेट के अंदर डालते हैं और प्लेट से पीते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि कप में जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है और सरफेस एरिया बढ़ जाता है जैसे वो प्लेट में जाते हैं, तो चाय कंपैरेटिवली कप के मुकाबले प्लेट में जल्दी ठंडी होती है। आगे समझे? यस। थर्ड, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी क्या होती है सर? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सर, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट है। अब आज के टाइम पे अभी देखो भोपाल में काफी सारी बारिश हो रही है काफी दिनों से, तो जो कपड़े वगैरह हैं वो जल्दी से नहीं सूख रहे, ड्राई हो रहे क्या जल्दी? नो सर। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि सर इवेपोरेशन डिक्रीज कर रहा है, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी इवेपोरेशन डिक्रीज। हाँ, तो ह्यूमिडिटी कम कर रही है इवेपोरेशन को, इसीलिए कपड़े लेट सूख रहे हैं। या तो हम क्या कर देते हैं उसको लाके फैन के नीचे रख देते हैं ताकि क्या उसके जल्दी सूख सके। और लास्ट क्या होता है हमारे पास सर? विंड स्पीड। पंखे के नीचे रख देना। तो ये चार फैक्टर क्या है इवेपोरेशन को इंक्रीज करते हैं। सबको समझ में आया? यस सर। Yes. बताओ। यस। ठीक है। हाँ, तो ये चार